अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आई हुई हूँ, हमारे गांव में एक छोटी सी है मस्जिद, और उसमें मैंने कहा चलो ये आप लोगों को दिखा भी दूँ, हमारी छोटी सी मस्जिद जो गांव में है, और वीडियो भी बना लेते हैं थोड़ी सी। ये देखें, ये हमारे जो हैं मतलब मेरी छोटी छोटी सी सिस्टर्स हैं जिन्होंने इसको सजाया हुआ है। ये देखें, ये छोटा सा एक रूम है। उसे ये हमारे पहले जो दादा थे उन्होंने ये मस्जिद जो है बनाई थी। अब काफ़ी शहीद हो चुकी है, और फिर सोच रहे थे अभी के इसको दोबारा जो है इसको बनवाएं अच्छे तरीके से, प्यारी सी करके बनवाते हैं। तो दरवाज़ा भी लिया हुआ है, दरवाज़ा हमने लिया था, मैंने सोचा था कि हम बनवाएंगे, लेकिन फिर इतनी फुर्सत नहीं थी कि ये मस्जिद बनवा सकें। फिर अब सोच रहे हैं इंशाल्लाह फिर बनवाएंगे जब अल्लाह ताला ने फुर्सत दी। ये हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद है, जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो इसे रिपेयर करवाएंगे। ये देखिए, ये ज़मीन जो है इसको हल लगाया हुआ है, हल लगा के इसमें रुआ का बीज जो है वो इसमें बोया हुआ है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें बीज होगा, कुछ ही दिन हुए हैं कि ये लगा के गए हैं अभी। ये मेरे साथ साथ घूम रही है और मुझे बता रही है कि ये चीज़ है, ये बताओ ये चीज़ है। तो मैं इसके और ये कह रही थी नहीं इधर नहीं इधर चलते हैं, मैंने कहा नहीं यहाँ पे चलते हैं, काफ़ी सुकून है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इंशाल्लाह बस दुआ में ये मांगना होता है कि हमारी दुआ कबूल हो जाए और हम थोड़ी सी चीज़ जो है बांध देंगे। तो इसी तरीके से मैंने भी एक छोटी सी और दुआ की है, एक दुआ मेरी कबूल हो गई थी, मैंने एक और दुआ मांगी अल्लाह करे वो भी कबूल हो जाए। तो मैंने एक पहले भी इससे एक बल्कि दो पहले मांगी थी, ये तीसरी है। और दूसरी मैंने मांगी थी, पहली मैंने बेटे की मांगी थी और दूसरी मैंने अपने चैनल की मांगी थी कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चीज़ बांटूँगी इंशाल्लाह, वो चीज़ भी मैं बांटूँगी। जो तीसरी है दुआ वो भी इंशाल्लाह मेरी जैसे कबूल होगी तो मैं चीज़ जितनी भी मुझसे होगी वो मैं बांटूँगी यहाँ पर आके। ये देखिए नीचे बिल्कुल छांव है, ऊपर दरख्त से जो है बिल्कुल छत्ता हुआ है, एक दरख्त से जैसे ऊपर किसी ने ना ये छत नहीं डाली होती वैसे इसके ऊपर है। ये खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ये ऐसा बन गया है। ये देखिए ये नीम का दरख्त है, ये सारा नीम का ही दरख्त है, छोटी सी साथ खज्जी का दरख्त है, खजूर का। मैं बार बार देख रही हूँ कि सही भी बन रही है कि नहीं, वो ना हो कि शाम को अपलोड करने के ये वक्त है और आवाज़ भी ना हो। ये सारे दरख्त किकर के दरख्त हैं, इधर खज्जियों के दरख्त खजूर के, और साथ दूसरी साइड पे गंदम, और ये नीचे कमांद वगैरह इन्होंने काट लिया है, इसको कहते हैं पत्री। कितनी सुनाते हैं तो सही मसला घर के समय मंगवाऊंगी। ये देखे ये मैं जैसे जैसे दुआ मांग रही हूँ ये भी मेरे साथ अपनी दुआ मांग रही है, कहते देखते हैं आप किसकी दुआ कबूल होती है, इसकी पहले होती है छोटी की या मेरी होती है। मुझे तो लगता है पहले इसकी कबूल होगी क्योंकि अल्लाह ताला छोटे बच्चों की दुआ है वो बहुत जल्द जो है सुनते हैं। तो मैं इससे कह रही थी मेरी भी साथ मांगना और अपनी भी, ये अपने भाई की दुआ मांग रही है कि अल्लाह ताला हमें भाई दे और साथ साथ काम भी रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही है क्योंकि सारी जगह जो है ढंपी हुई है ऊपर से।